प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, 2024 का साल का 10वां महीना जिसे अक्टूबर कहा जाता है, इस महीने बहुत अच्छा शुभ योग बनने जा रहा है। 6 राशि वालों को बहुत विशेष लाभ मिलने वाला है। इस योग को सम सप्तम योग कहा जाता है। यहां पर आप देखिए गुरु शुक्र एक दूसरे के आमने सामने हैं। जब गुरु और शुक्र एक दूसरे के आमने सामने होते हैं उस अवस्था में दीपावली बहुत अच्छी होती है। घर घर में आनंद महोत्सव होता है। लेकिन यहां 6 राशि वालों को विशेष लाभ मिला करता है। वह 6 राशि कौन कौन सी है? सबसे पहली राशि है मेष राशि। इस सप्तम योग से मेष राशि को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। व्यापार में तरक्की होने वाली है। जो जॉब कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन भी मिल सकता है। पढ़ने वाले बच्चों में भी मन एकाग्रचित हो सकता है। कहीं ना कहीं से उनके लिए शुभ समाचार भी आ सकते हैं। जो वैवाहिक बंधन में नहीं बंधे हैं इस समय यह योग आपको वैवाहिक बंधन से जोड़ सकता है। बस इस समय आपको सबसे पहले एक छोटा सा काम करते रहना चाहिए। पूरे 9 दिन तक एक घी का दीप लगाना है। इसके बाद अब आपके बीच में शरद पूर्णिमा है, 16 को भी है, 17 तारीख को भी है, एक दीप उस समय लगाना है। इसके बाद आपको 24 तारीख से लेकर के दीपावली तक एक घी का दीप हर दिन अपने घर में पूरब उत्तर कोने में लगाना है। एक तांबे के लोटे में पानी सुबह से लेकर के 12 बजे तक भरना है। वह जल 12 बजे के बाद अपने घर में घुमा करके या दुकान पर घुमा करके किसी पीपल के वृक्ष पर या तुलसी के पौधे पर छोड़ सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और एक छोटा सा मंत्र आप जपते रहें, ओम श्री श्रीये नमः। बहुत आनंद आपके जीवन में आ सकता है। इसके बाद गुरु शुक्र सम सप्तक योग वृषभ राशि को भी बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। यहां आपका शुक्र प्रबल है। शुक्र के प्रभाव से आपको बहुत सारी भौतिक चीजों की वृद्धि होगी। कुछ नए साधन आपके घर में आएंगे। जो प्लानिंग बहुत समय से आप करते आए हो वह प्लानिंग इस महीने आपकी पूरी हो सकती है। आपके बच्चे आपको देखकर के आनंदित होंगे क्योंकि इस समय आप बच्चों की हर इच्छाओं की पूर्ति कर पाओगे। घर में रहने वाली गृहिणी भी आपको देख के आनंदित होगी। घर की सारी सामग्री आपके पुण्य के प्रभाव से अपने आप आएगी। कुल मिलाकर के यह महीना आपके लिए बहुत प्रभावशाली है। आपको भी घी का दीप पूरे नवरात्रि से लेकर के दीपावली तक लगाना है और देवी साधना देवी उपासना आप करते रहें, जो भी आप मानते हैं। नहीं तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी आपके साथ है। माता के 16 सपने में एक स्वप्न है लक्ष्मी, उसका आप ध्यान करें। ओम श्री श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। सफेद रंग का रुमाल आपको रखना है। इसके बाद आप सफेद चीजें जरूरतमंदों को दे सकते हैं जो धर्म से जुड़े हैं, या फिर मंदिर में जाकर के आप 5 मुट्ठी चावल समर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आप जाप करेंगे
ओम श्री श्री नमः इस मंत्र का जाप करिए, बहुत अच्छी आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद धनु राशि, स्वामी आपका गुरु है, गुरु शुक्र को देख रहा है, शुक्र गुरु को देख रहा है, यह अपने आप में एक प्रभावशाली योग है। इस समय गुरु प्रबल है, भले ही यहाँ पर वक्री होने जा रहा है, फिर भी आपको गुरु बहुत प्रभाव देने वाला है, तरक्की देने वाला है। इस समय यदि तरक्की मिल रही है, गुरु के आशीर्वाद से मिल रही है, गुरु का आशीर्वाद लेते रहें, पूरे महीने तक आशीर्वाद लेते रहें। चातुर्मास का सिर्फ एक महीना अपने पास बचा हुआ है। कहते हैं अंत भला तो सब भला, यदि हम पूरे महीने गुरु का आशीर्वाद लेते रहेंगे तो गुरु आपका प्रबल होगा और गुरु के आशीर्वाद से आपके जीवन के हर काम सानंद संपन्न होते चले जाएंगे। आप साधन की ओर भाग रहे हैं, याद रखना साधन साधन की ओर भागने से नहीं मिलते हैं, जो साधना करते हैं उनका आशीर्वाद लेते ही साधन आपके पीछे पीछे भागा करते हैं। तो आप गुरु का आशीर्वाद लें, पाद प्रक्षालन करें, प्रातः काल की बेला में पूरब या उत्तर दिशा में मुंह करके भक्तामर का पाठ करें। नवरात्रि में 9 दिन तक आप भक्तामर का पाठ करें। इसके बाद आपके बीच में 17 तारीख को भी गुरुवार है, शरद पूर्णिमा है, भक्तामर का पाठ करें। इसके बाद धनतेरस चतुर्दशी और आपके बीच में आ रही है, दीपावली, भक्तामर का पाठ करें। मैं तो कहूंगा पूरे महीने भक्तामर का पाठ करें, घी का दीप लगाएं, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक पीले कलर का रुमाल अपने साथ में रखोगे तो यह योग आपके उपयोग को लगा करके बहुत सारी सुख सुविधाओं की प्राप्ति करा सकता है। इसके बाद मकर राशि वालों के लिए भी बहुत प्रभावशाली समय है। आप जो भी चाहोगे, आपके चाहे काम इस महीने पूरे हो सकते हैं। यह आपको आर्थिक लाभ देने वाला है। जो किराने का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर होने वाला है। बस आपको यहाँ पर सुबह सुबह सूर्य निकलने के पहले भक्तामर का पाठ करना है। इसके बाद आपको एक तेल का दीप लगाना है, मीठे तेल का भी लगा सकते हैं, नारियल का तेल भी लगा सकते हैं, इसके बाद तिल्ली का तेल भी लगा सकते हैं। घर में यदि नेगेटिविटी है तो आप सरसों के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं, लेकिन 9 दिन तक आप प्रातः काल की वेला में घी का ही दीप लगा करके छोटे से मंत्र के जाप करें, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। इस मंत्र की आप 9 दिन में 120 माला पूरी करें। इसके बाद शरद पूर्णिमा है, धनतेरस चतुर्दशी और दीपावली आपके बीच में है, इस समय भी आप ओम ह्रीम नमः की जाप करें। यदि आपको समय हो तो आप वर्धमान मंत्र की जाप कर सकते हैं, ओम नमो भयवदो वर्धमानस्य ऋषहस चक्कम जलंतम गच्छय आयसम पायानम लोयानम भूयानम जयवा विवादेवा थंबडेवा रणंगडेवा रायंगडेवा मोहेडवा सव जीव सत्ताणम अपराजदो भुवदमे रख रख स्वाहा। कम से कम 9 बार तो इस मंत्र का आप जाप करिए, बहुत अच्छी आपको सफलता मिलेगी। रात को 10 बजे के बाद आप विश्राम में चले जाएं और पूरे मनोभाव के साथ इस मंत्र का जाप करोगे तो यह गुरु शुक्र का सम सप्तक योग आपके जीवन को निहाल कर सकता है। जिनकी कुंभ राशि है, यहाँ पर आपका स्वामी शनि है, यह योग आपको आगे आगे बढ़ाता जाएगा, आर्थिक प्रगति भी देगा, घर में शांति भी देगा। जो लोग मन से बहुत अशांत हैं,
टेंशन में रहते हैं, कुछ काम समय पर नहीं होता है। यह योग उनके काम को समय पर भी कराएगा। जो विकल्प उनके जीवन में चल रहे हैं उन विकल्पों से भी छुटकारा मिलेगा और एक नया रास्ता उनके सामने आके खड़ा हो सकता है। आपको भी सुबह सूरज निकलने के पहले और सूरज ढलने के बाद कम से कम 3 बार भक्तामर का पाठ करना है। एक तेल का दीप लगा करके पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके आप भक्तामर का पाठ करें और छोटे से मंत्र का जाप करें। नमो लोए सर्व साहुरम, नमो लोए सर्व साहुरम। आपको पानी भरना है मिट्टी के घड़े में और सूरज निकलने के बाद वह जल आपको किसी वृक्षों में डाल करके पुण्य लाभ प्राप्त करना है, क्योंकि वृक्ष भी तीर्थंकरों की साधना स्थली है। हर तीर्थंकरों ने वृक्षों के नीचे बैठ के साधना की है। आप वहां पर पूरे मनोभाव के साथ मंत्र जाप करके ये वृक्ष हमारे जीवन में सुख समृद्धि आनंद की अनुभूति कराते रहे। और यह है जिस प्रकार से हरे भरे रहते हैं उसी प्रकार से हमारे जीवन को हरा भरा बनाते रहें और हमारे अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते रहें और हमें धर्म से जोड़ करके, प्रभु की भक्ति से जोड़ करके हमें सत ज्ञान की यात्रा कराते रहें। यह भावना हमेशा आपके मन में रहेगी तो आपके व्यापार में, परिवार में जो काम आपने सोच रखा है उस काम में भी आपको तरक्की मिल सकती है। इसके बाद मीन राशि वालों के लिए भी यह गुरु शुक्र सम सप्तक योग बहुत प्रभावशाली है। यहाँ पर आपको गुरु प्रबल मिल रहे हैं, भले ही यहाँ पर वक्री होने जा रहे हैं फिर भी यहाँ पर गुरु के आशीर्वाद से आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। कहते हैं गुरु के साथ रहने से बहुत सारे संकट टल जाया करते हैं, बहुत सारी परेशानी आसानी से निकल जाया करती है। जीवन में आनंद ही आनंद रहता है जब गुरु के साथ चलते हैं, दूरी का पता नहीं चलता है। और गुरु का आशीर्वाद लेने वालों को भी परेशानियां आती हैं लेकिन परेशानी का पता नहीं चलता है। आपको प्रातःकाल एक पीतल के लोटे में जल भरना है। सूर्य निकलने के पहले आपको 5 बार भक्तामर का पाठ करना है पीले वस्त्र पहन करके। उसके बाद थोड़ा सा जल आप दुकान पर लेके जाएं, वहां पर आप छिड़काव करें। इसके बाद एक धूप बत्ती लगाएं और ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। नवरात्रि है आपके बीच में, इसके बाद शरद पूर्णिमा है और दीपावली के 3 दिन आपके पास है। इस समय आप जितना भगवान के पास रहोगे हर काम में आप पास 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 होते चले जाओगे। जीवन आपका आनंदित और प्रसन्नचित्त हो सकता है। आपको गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। उनका पाद प्रक्षालन करें, उनके व्याख्यान को सुनें, आहार दान प्रदान करें और समय समय पर कोई भी काम करने के पहले गुरु का आशीर्वाद लेते रहोगे तो आपके जीवन में यह सम सप्तक योग आपको बहुत सारी उपलब्धि की अनुभूति करा सकता है। इस महीने की दीपावली बहुत अच्छी साबित होने जा रही है। आप हमेशा धर्म से जुड़े रहें, प्रभु की भक्ति करते रहें। यह ज्योतिष विज्ञान ज्योति का काम करता है। यहाँ पर दीपावली आपके बीच में है, दीप लगाते रहिए, ज्योति ऊर्ध्वगामी होती जाएगी और आपको यह ज्योति ऊर्ध्व गति की यात्रा करा सकती है। यह ज्योतिष विज्ञान है जो आप सुन रहे हैं, जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। पूरे मनोभाव के साथ जैसा योग बन रहा है उस प्रकार का उपयोग लगाते रहें। आप कहेंगे बाकी राशि वालों का क्या होगा, बाकी राशि वालों को सम प्रभाव मिलेगा। किसी के जीवन में बहुत सारी तकलीफें आ सकती हैं लेकिन घबराए नहीं, आप पूरे महीने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो मैंने आपको
राशि नहीं बताई है, 6 राशि वाले सोच रहे होंगे मेरा क्या होगा, बस जो गुरु का आशीर्वाद होगा वही तुम्हारे साथ होगा। गुरु हमेशा अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, उन्नति का विचार करते हैं। जैसे मानतुंगाचार्य ने भक्तामय की रचना करके भक्तों पर उपकार किया है, समंत भद्र स्वामी ने स्वामी स्तोत्र की रचना करके भक्तों पर उपकार किया है, वादिराज हो चाहे और भी जितने आचार्य, कुंद कुंद आचार्य हो, पुष्पदंत पुतवली आचार्य हो, जिन सेनाचार्य हो, धर सेनाचार्य हो, जितने भी आचार्य शांति सागर जैसे संत हो, अपने ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। और हमारे ऊपर तो आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने विशेष उपकार किया है। आज उनके उपकार की वजह से ही मैं ज्योतिष के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं। आपके जीवन में सम्यक बना रहे, धर्म का साथ हमेशा जुड़ा रहे, कोई आपका साथ दे ना दे, बस मेरी यही भावना है। धर्म सदा आपका साथ देता रहे, आप हमेशा प्रभु भक्ति से जुड़े रहे। यह अवसर आपको मिला है अक्टूबर का, इस अक्टूबर के अवसर पर पूरा पूरा आप लाभ उठाइए, क्योंकि 10वां महीना है और 10वां महीना अपने आप में ही कुछ खास हुआ करता है, बहुत आपको लाभ देने वाला होता है, व्यापार की वृद्धि कराने वाला होता है। इस महीने आप दशहरा से लेकर के आगे जो भी करेंगे वह आपके व्यापार को बढ़ाने वाला समय है। बस इस समय कोई भी काम करें पहले आप गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, मंदिरों में दैविक शक्तियां हैं उनका आवाहन करें, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो लक्ष्मी सरस्वती सदा सदा आपके साथ रहेगी, धर्म के साथ आपकी वृद्धि होती चली जाएगी और पूरा परिवार आनंद के साथ, तन्मयता के साथ आपको देख करके प्रसन्नचित्त हो सकता है। तो यह मौका, यह अवसर आपको मिला है, पूरे महीने आपकी दीपावली आत्मीयता के साथ हो, मनाई जाए, यही मेरी भावना है। आपने बड़े प्रेम के साथ इस अक्टूबर महीने में जो योग बन रहा है सम सप्तक योग, इस योग को अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने मन के विचारों को पूरा करने का भाव रखें, यही मेरी भावना है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ, सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद।